नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम अध्ययन करेंगे कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने की श्रेणियाँ, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। जैसा कि आपको पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया, मांग डिमांड एनालिसिस में मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसी क्रम में हम आज मांग की लोच और मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, मांग का नियम। इसमें विपरीत संबंध होता है, तो इसी से संबंधित है कि किसी वस्तु, इसकी अगर भूमिका की चर्चा करें कि मांग की लोच किसे कहेंगे, तो मांग की लोच अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले हम उसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे सामान्य शब्दों में और विशेष शब्दों में, फिर उसकी परिभाषाएँ लिखेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन, फिर उसके विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। तो मांग की लोच क्या है? मांग की लोच किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात आनुपातिक परिवर्तन ही मांग की लोच कहलाती है। मतलब वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और मांगी वस्तु के मूल्य और मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसी संबंध को हम मांग की लोच कहते हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को ही वस्तु की मूल्य लोच कहते हैं। ये सामान्य शब्दों में परिभाषा है। दूसरे शब्दों में बात करें कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति को ही मांग की लोच कहा जाता है। तो विभिन्न परिभाषाओं ने भी, ये अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहले ही है बोल्डिंग। बोल्डिंग कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वही मांग की लोच कहलाती है। दूसरा कैरन क्रॉस भी कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की क्रय मात्रा में किस दर में परिवर्तन होगा उस दर को मांग की लोच कहते हैं। निष्कर्ष रूप से भी हम ये कह सकते हैं कि मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर कहलाती है, उसे मांग की लोच कहते हैं। अब इसकी सूत्र के रूप में हम अध्ययन करें कि मांग की लोच को किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के द्वारा इसको अपन EP के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसमें डेल्टा क्वांटिटी, डेल्टा मतलब परिवर्तन हुआ, और क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ पहले वर्ष और प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम मांग की लोच कहते हैं। इसे अपन इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइड बाई डेल्टा प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये मांग की मूल्य लोच ज्ञात करने का सूत्र है। इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु में आनुपातिक परिवर्तन। कैसे? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को इसमें हम देख सकते हैं। मूल्य में और मांगी की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह मांग की लोच कहलाती है। इसकी विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो मांग की लोच की श्रेणियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड,
ईपी बराबर अनंत होता है जिसमें प्राइस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होने पर मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है, वो पूर्णतया लोचदार मांग होती है। पूर्णतया बेलोचदार मांग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में किसी प्राइस में अधिक परिवर्तन होने से क्वांटिटी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो, शून्य परिवर्तन हो, वो पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। अगली है लोचदार या इकाई लोच मांग। इलास्टिक डिमांड या यूनिटी इलास्टिसिटी, वस्तु की प्राइस में अगर 1% परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में भी 1% परिवर्तन ही मांग की लोचदार मांग कहलाती है। अगली है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग हाईली इलास्टिक डिमांड, प्राइस में कम परिवर्तन और क्वांटिटी में अधिक परिवर्तन, मांग की अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। अंतिम है बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार, इन इलास्टिक, प्राइस में अधिक परिवर्तन होने से क्वांटिटी में कम परिवर्तन होना ही यह है। तो ये 5 प्रकार की हैं। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड इसको अपन प्रदर्शित करते हैं ईपी बराबर अनंत। कैसे? यहां पर मान सकते हैं मूल्य और यहां पर क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। किस प्रकार से? मूल्य में यहां पर बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हुआ, मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन। तो इसे अपन इस चिन्ह के द्वारा भी लिख सकते हैं पूर्णतया लोचदार मांग को, ईपी बराबर अनंत। किस प्रकार से? मैंने आज जैसे आपको बताया पूर्णतया लोचदार मांग में जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन न होने पर या बहुत कम परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। इसे ईपी बराबर अनंत के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से? इसका डायग्राम बना के बताते हैं आपको। वाई ओ एक्स, ये अपना अक्षांश है। इसमें प्राइस में मैंने बताया आपको मूल्य और ये क्वांटिटी। प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर भी प्राइस वही प्राइस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं, इक्वल है 5 रुपये मान लो, मांगी गई मात्रा में अपने अनंत परिवर्तन हो जाता है। सॉरी, मांगी गई मात्रा में क्या हो जाएगा? अनंत परिवर्तन। तो ईपी बराबर अनंत। तो ये कौन सी मांग आएगी? पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। दूसरी हम बात करें, ये इसका डायग्राम है, पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग इसे हम ईपी बराबर 0 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ईपी बराबर 0 इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें प्राइस में अधिक परिवर्तन होगा, क्वांटिटी में क्या होगा? अधिक परिवर्तन होगा, परंतु मांगी गई मात्रा में 0 परिवर्तन होगा। वो कौन सी मांग कहलाएगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाएगी। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने से उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है। किस प्रकार से? वायु अक्ष, ये वस्तु का मूल्य, ये क्वांटिटी। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन अधिक हो रहा है तो परंतु क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ 5 रुपये 10 रुपये, इसमें ईपी बराबर 0 ही। तो ये अपनी कौन सी मांग कहलाई जाएगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है।
तीसरी हम बात करें लोचदार मांग। या इसे अपन बोल सकते हैं इकाई के बराबर मांग, ईपी बराबर वन। यहाँ पर मूल्य में 1% का परिवर्तन होने से क्वांटिटी में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होना लोचदार मांग कहलाती है। इसे अपन इलास्टी की डिमांड भी कहते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड। आयताकार हाइपरबोला भी इसे अपन कहते हैं, जो कि लोचदार मांग किसी वस्तु के मूल्य में समान परिवर्तन या मूल्य में 1% का परिवर्तन मांगी गई मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन लोचदार मांग कहलाती है। इसकी परिभाषा देखें तो जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है वह लोचदार मांग कहलाती है। किस प्रकार से? ये वाई ओ एक्स प्राइस क्वांटिटी। ईपी बराबर वन, समान अनुपात में मूल्य में भी परिवर्तन मांगी की मात्रा में उतना परिवर्तन, मूल्य में भी परिवर्तन मांगी की मात्रा में समान परिवर्तन, ये अपनी लोचदार मांग कहलाती है। अगली आती है, इसे अपन आयताकार हाइपरबोला भी नाम से कह सकते हैं। अगला है, जैसे अपन इसके उदाहरण रूप से देखें कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो उसकी मांग में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। अगली आती है अत्यधिक लोचदार मांग। ईपी लेस देन वन के रूप में इसमें प्रदर्शित करते हैं इसको। जब किसी वस्तु के मूल्य में या उसके योग में थोड़ा सा परिवर्तन होने से उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। इसे अपन गणितीय शब्द में ईपी ग्रेटर देन लेस देन वन के रूप में कह सकते हैं। जैसे उदाहरण रूप से देखें कि 5% के मूल्य में कमी आने पर वस्तु की मांग 20% बढ़ जाए तो वहाँ पर मांग की अत्यधिक लोचदार कहलाती है। किस प्रकार से? ये अपना वाई ऑक्स मूल्य और क्वांटिटी। यहाँ पर वस्तु ये है और वस्तु के मूल्य में इसे अपन ईपी लेस देन वन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अंतिम है बेलोचदार मांग। ईपी ग्रेटर देन वन के रूप में भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने से उसकी मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार मांग कहलाती है। इसे गणितीय शब्द में ईपी ग्रेटर देन वन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी मांग में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वो बेलोचदार मांग कहलाती है। तो इसका इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ईपी ग्रेटर देन वन के रूप में। तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से सबका डायग्राम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, जो कि पूर्णतया बेलोचदार, अत्यधिक लोचदार, यहाँ से स्टार्ट है, ये पूर्णतया बेलोचदार की आ गई, इसे अपन कहेंगे अत्यधिक लोचदार, लोचदार मांग, ईपी बराबर वन, ईपी लेस देन वन, ईपी बराबर अनंत, ये 5 प्रकार की डिमांड अपने सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से हम
मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिसमें हमने प्राइस में और क्वांटिटी में विभिन्न परिवर्तनों को एक संक्षेप रूप में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मांग की लोच की मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं।